press the bell icon on the YouTube app and never miss a ये सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, कोई भी हो, बोरी हो, कोई भी हो, है तो ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ना। गला रेता गया था ना बैटल ऑफ करबला में, एक दर्दनाक मौत मिली थी ना, इतने कम उम्र में करबला के जंग में, उस जंग को जीतने के लिए, उस गवर्नरशिप को लेने के लिए, उस सत्ता को हासिल करने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की मृत्यु तो हुई थी ना। और वो नवासे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रिय थे, वो नवासे जो अल्लाह की नजर में भी प्रिय थे, वो नवासे जो जन्नत की पहली खातून बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके पेट से जन्म लिए थे, वो नवासे जिनकी माँ बीबी फातिमा जन्नत की शहजादी हैं हमारे इस्लाम के हिसाब से, और उन नवासे की दर्दनाक मौत पर ये भांगड़ा डालने वाले मुसलमान कैसे मुसलमान हो गए। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी का बड़ा ही दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जिसमें नाज़िया खान जी खुद मुसलमान होकर इन शांति दूतों को एक्सपोज करेंगी। तो ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। हुड़दंग मचाने वाले शिया नहीं होते हैं भारत में, ये हुड़दंग मचाने वाले सुन्नी होते हैं भारत में, जो ताजिया लेकर के निकलते हैं, जो दुलदुल निकालते हैं और उसमें बुलबुल को छेड़ते हैं। आपको पता है हमारे भारत में जो दुलदुल निकलता है ना, दुलदुल मुहर्रम का, उसमें कई बुलबुल का मोलेस्टेशन भी करते हैं मुसलमान भीड़ भाड़ में। शरीर के उजू को बहुत अभद्र तरीके से छूछाप करते हैं और काफी मोलेस्टेशन के FIR भी सबमिट होते हैं, FIR रजिस्टर्ड होते हैं। दुलदुल में बुलबुलों का काफी प्रॉब्लम होता है। अब आती है बात, ये सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, कोई भी हो, बोरी हो, कोई भी हो, है तो ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ना। गला रेता गया था ना बैटल ऑफ करबला में, एक दर्दनाक मौत मिली थी ना, इतने कम उम्र में करबला के जंग में, उस जंग को जीतने के लिए, उस गवर्नरशिप को लेने के लिए, उस सत्ता को हासिल करने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की मृत्यु तो हुई थी ना। और वो नवासे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रिय थे, वो नवासे जो अल्लाह की नजर में भी प्रिय थे, वो नवासे जो जन्नत की पहली खातून बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके पेट से जन्म लिए थे, वो नवासे जिनकी माँ बीबी फातिमा जन्नत की शहजादी हैं हमारे इस्लाम के हिसाब से, और उन नवासे की दर्दनाक मौत पर ये भांगड़ा डालने वाले मुसलमान कैसे मुसलमान हो गए, कैसे हो। पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बैनर्जी ने कहा कि शिया मुसलमानों के लिए हम कॉरिडोर बनाएंगे ताकि वैर धर्म वाले उनको तकलीफ ना पहुंचा सके। मुझे बड़ी बड़ी बेचैनी हुई इस सवाल से, उनके इस स्टेप से मुझे बड़ी बेचैनी हुई, और मैंने नेशनल न्यूज चैनल पर बैठ करके ये कहा कि शिया मुसलमानों को ना पहले कभी खतरा था हिंदुओं से और ना आज कभी खतरा होने वाला है। शिया मुसलमानों को अगर खतरा डर भय है तो सुन्नी मुसलमानों से। सुन्नी मुसलमान इमाम हसन इमाम हुसैन की वफात पर कभी भी अफसोस नहीं करेंगे, लेकिन अपने दिल में बोग्ज लेकर के 1450 साल का वेंडेटा रिवेंज लेने के लिए हमेशा अपने कदम को पहले रखते हैं। सुन्नी मुसलमानों को अगर आप पूछ लीजिएगा ये अल्लाह के नजदीक वो
25 प्रॉफिट कौन है जो अल्लाह के करीबी हैं, और जिन 25 प्रॉफिट का जिक्र अल कुरान में भी है, वो 25 प्रॉफिट का नाम सुन्नी मुसलमान नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, नहीं बता ही नहीं सकता है जी, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं। तो जो लोग उन 25 प्रॉफिट जो अल्लाह के करीबी प्रॉफिट थे उनका नाम नहीं पता है, लेकिन आप गला रेतने बोलिए सुन्नी मुसलमान को, रेतने, आप रेप करने बोलिए रेप कर, मोलेस्टेशन करने बोलिए मोलेस्टेशन कर, आप तलाक देने बोलिए तलाक दे देगा, आप बम गोली बारूद मारने के लिए बोलिए मुसलमान सुन्नी मुसलमान मारेगा, आप गंदी गंदी गालियां देने के लिए बोलिए ऐसी ऐसी गालियां इन्वेंट करेगा कि आप सोचिएगा ये भी गाली हो सकती थी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो सुन्नी मुसलमानों की क्रिएटिविटी जो है ना, वो जंगजू जिहादी अश्लील बेहुदा बदतमीज नाकारा निकम्मा आवारा लुच्चा लफंगा वाला क्रिएटिविटी सुन्नी मुसलमानों की। अब मैं आती हूँ शिया मुसलमान, शिया मुसलमान की बेटियां महाराष्ट्र में जोगेश्वरी की बेटी पायलट बनी, पायलट बनी, शिया मुसलमान की बेटी इंजीनियरिंग की है, पांच बेटियां घर में थी, पांचों इंजीनियर, जोगेश्वरी की बात मैं बता रही हूँ। शिया मुसलमान के दो बेटे दोनों डॉक्टर बने हैं और कहीं और नहीं, मोहम्मद अली रोड में महाराष्ट्र, मोहम्मद अली रोड दोनों डॉक्टर बने हैं और अभी न्यूरोसर्जन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये है शिया मुसलमान जो अपने एडुकेशन पर बहुत फोकस कर रहा है। बोरी मुसलमान पे आ जाइए, आप गुजरात जाइएगा आपको सिर्फ बोरी मुसलमान मिलेगा, अहमदाबाद सिर्फ बोरी मुसलमान, और फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग है, एडुकेशन के हिसाब से इतने स्ट्रॉन्ग है वो, क्योंकि उनको ये सारी अश्लीलताओं के नंगे नाच में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, उनको देश की तरक्की के साथ साथ खुद को भी तरक्की याफ्ता बनाना है, इसलिए वो तरक्की याफ्ता हो रहे हैं। सुन्नी मुसलमान का काम क्या है, ए तू तो वहाबी है, तू मुसलमान है ही नहीं, ए बहन ये बहन वो माँ ये माँ वो, बस यही काम है, ये औरत आवारा है वो औरत लफंगी है, देखो वो कितनी टाइट जींस पहनकर निकली है, उसकी तो चार शादी है, उसका तो पांच बच्चा है, वो उस औरत मर्द से बात कर रही है, वो उसके बाइक पर गई है, देखो वो कैसे हंसती है, देखो उसके होठ मोटे हैं, देखो वो कितनी मोटी है, देखो वो काली है, देखो उसके बाल कितने खराब है। औरत से शुरू औरत पे खत्म सुन्नी मुसलमान के मर्दों की जिंदगी। 25 प्रॉफिट का नाम नहीं पता रहेगा अल्लाह के करीब, लेकिन चार बीवी रखेंगे, चार बीवी तो ऐसे रखेंगे जैसे लग रहा है कि बाजार से चार खिलौना खरीद के ला रहे हैं। तो ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ सुन्नी मुसलमान, और सुन्नी मुसलमानों की रग रग से मैं वाकिफ हूं। सुन्नी मुसलमान जब किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी कन्फ्रंटेशन में, किसी भी डिस्कशन में जब हारने लगते हैं तो वो सीधा कहते हैं ये औरत आवारा है, अरे इसके तो बहुत सारे प्रूफ है मेरे पास। अरे भाई प्रूफ है तो दिखा दो ना, सिर्फ बोलते क्यों हो मुंह से, जरा दिखाओ, मजा आए, सबको मजा आए। मैं तो ट्विटर पे एक्स पे मुजफ्फर भाई जब भी मुझे कहता है ना कोई कि तू तो बैंकॉक में धंधा करती थी, तो मैं तो रिप्लाई देती हूँ फोटो दिखा दो जल्दी से दिखाओ, तब मजा आएगा मुझे बेइज्जत करने में। ऐसे हवाबाजी में बेइज्जत कर रहे हो, आधे लोग सोच रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, आधे लोग सोच रहे हैं सच बोल रहा है। अगर मुझे बेइज्जत करके नाजिया इलाही खान को अगर सुन्नी मुसलमान मर्द सही से बेइज्जत करना चाहता है प्रूफ के साथ एकदम सोशल मीडिया पे। सो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने ना सिर्फ इन शांति दूतों को एक्सपोज किया, बल्कि जो सुन्नी मुसलमान है जो हमेशा ना सिर्फ भरम फैलाते हैं बल्कि देश में अशांति भी फैलाते हैं। मैं कुछ चुनिंदा मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो जिहादी माइंडसेट के हैं, उनके बारे में जैसे कि नाजिया खान ने कहा ना वो सिर्फ भ्रम फैलाते हैं बल्कि वो दूसरों को बदनाम भी करते हैं और देश की बदनामी भी वही साथ लेके आते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।